इंदौर में एनआरआई से धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने के मामले में सियासत शुरू हो गई है और एमपी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एनआरआई गौरव अलावत की पत्नी का वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अब पुलिस मारपीट और बंधक बनाए जाने के मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम काज्या अलावाद है। मैं गौरव अलावाद की धर्म पत्नी हूँ। मैं अभी मॉस्को में अपने दो बेटों के साथ हूँ। गौरव को इंडिया गए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हमारी उनसे सिर्फ फोन पे बात होती है, जिसमें गौरव ने बताया कि उनको 200 टुकड़े करके जान से मारने की धमकी मिल रही है। हमें उनकी बहुत चिंता है। गौरव ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है मदद के लिए और अभी रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मदद मांगेंगे, उनको लेटर लिखे। धन्यवाद जी। इनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि कुछ लोग जिनके साथ ये काम किया करते थे उनके द्वारा इनको जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया था और इनसे इनका मोबाइल और लैपटॉप छीना गया था। इसकी संबंध में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच उपरांत में आज कायमी के लिए इनको बताया गया और कायमी की जा रही है। फिलहाल अभी धोखाधड़ी के संबंध में ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। जो तथ्य अभी तक सामने आए जिसमें कुछ लोगों के द्वारा उनको बंधक बना के रखने का और उनसे उनके सामान को छीनने का प्रयास किया गया, छीना गया है, उसके संबंध में जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी जो मामला इससे पहले पंजीबद्ध किया गया है उसमें जांच जारी है, उसमें विवेचना अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है।